आकाश मिसाइल का नया ट्रायल किया गया। यह मिसाइल आर्मेनिया को बेची भी गई है। यह मिसाइल डायरेक्ट हमला नहीं करती है, इसके आगे सेंसर लगा होता है। जब भी कोई चीज इसके पास से गुजरेगा ना, तो इसमें सेंसर इसका। हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार के मार देती है। यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, इसका नया ट्रायल किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर। देखिए, जब भी किसी रॉकेट को छोड़ना होता है तो इसरो जो अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ती है वो कहां से छोड़ती है? हरिकोटा। समझ में आ गया? बेंगलोर के पास तो हेड ऑफिस है उसका। तो देखिए, जब कभी कोई नई मिसाइल बनती है पहली बार, तो उसे अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से छोड़ा जाता है। जब उसका ट्रायल सही हो जाता है तो फिर वैज्ञानिक उसे कहां लाते हैं? चांदीपुर। अब वैज्ञानिक उसके चीजों को और थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, उसके बाद जब सेना को देते हैं तो सेना कहां ले जाती है? पोखरण। सेना कहां ले जाती है? पोखरण। तो कहां से किया गया इसे? चांदीपुर से। चांदीपुर से यह मिसाइल आर्मेनिया को बेची भी गई है। यह दुश्मन के जहां आते जहाज या किसी दूसरे मिसाइल को मार के गिरा देती है। समझ में आ गया कि नहीं? यह मिसाइल डायरेक्ट हमला नहीं करती है, इसके आगे सेंसर लगा होता है। जब भी कोई चीज इसके पास से गुजरेगा ना, तो इसमें सेंसर इसका सेंस कर लेता है। समझ गया? तो यह डायरेक्ट हिट नहीं करेगी, जैसे कोई जहाज जा रहा है तो उसके पीछे पीछे ये चली जाएगी। और जैसे इसके इसका सेंसर रहता है, इससे रडार निकलते रहता है, वेव निकलते रहता है। अगर वो वेव वापस टकरा के इस पे आए तो अपने आप को ये मिसाइल फाड़ लेगी। तो सपोज कीजिए किसी जहाज के पास से गुजरी, जहाज के पास से गुजरी, अब इसका जो वेव है इससे टकराएगा, टकरा के जैसे वापस आएगा तो इसे अगर इसका वापस अपना ही सिग्नल मिल गया ना, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? फाड़ लेगा। अब इतना टुकड़ा में फाड़ेगा कि वो भी फट जाएगा, नहीं समझे? क्योंकि हवा में कोई चीज बहुत तेज चल रहा है। अब कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, एक हाथ मार दीजिए ढह जाएगा। कौन सा मेहनत करना है उसको, खूब स्पीड में जाता है, मार दीजिए छिटा जाएगा उधर। यहाँ पर कहां से किया गया? चांदीपुर से।